आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी इंडिया के बारे में होगी वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो हैं उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। और जब आज की मीटिंग में वो कोई इस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई है, हमारी संगठन की पूरी तैयारी और साथ साथ दिल्ली की प्रजा की जो पीड़ाएं हैं, जो दोनों ये डबल इंजन सरकार की कई गलत कदमों की वजह से जो हो रहा है, आज जैसे ये बाढ़ आ गई आज तक मुआवजा नहीं मिला, ये इतनी महंगाई बढ़ गई, महिलाएं जो है मांग रही हैं कि 500 रुपये में राजस्थान और कर्नाटका की तरह सिलेंडर दिया जाए, तो यहाँ की सरकार जो है 8,000 करोड़ रुपये का खर्च जो है उसकी पब्लिसिटी में कर सकती है, मगर ये महिलाओं के लिए महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसी अन्य प्रकार की चर्चाएं जो हुई थी वो चर्चा और इसमें किस प्रकार से लोगों का हम लोग आवाज़ उठाएं, कैसे बुलंदी बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचे, वो चर्चा थी और वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के सामने बयान किया था। सर, आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती है तो हम इंडिया की जो बैठक मुंबई में होने जा रही है उसमें शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी को जो है मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमैच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको, इसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so you don't miss any of our videos.